सिर्फ 10% ब्राइटनेस पे आप ये फुटेज इस समय देख रहे हैं और ये मिनी एलईडी टीवी एक गजब की पिक्चर क्वालिटी के साथ आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं तोशीबा के M650 टीवी की, जो कि एक मिनी एलईडी टीवी है और वो इस साल 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है। और मैं विनीत मल्होत्रा आज आपको इस टीवी का एक ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं, जो पूरी दुनिया में कोई और आपको नहीं दिखा सकता। दैट इज माय गारंटी टू माय फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस टीवी को मैंने खुद नहीं खरीदा है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ये रिलीज भी नहीं हुआ है। इसे मुझे तोशीबा ब्रांड ने ही भेजा है रिव्यू करने के लिए, लेकिन कई दिनों से मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं और आज इसका ट्रू व्यू शूट करके आपको दिखा रहा हूं। एक और आपको बात जाननी है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने तोशीबा ब्रांड से बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए और मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स बहुत डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप ये खुद डिसाइड करें कि ये टीवी आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है या कोई और टीवी लेना है। दैट विल बी ओनली एंड ओनली योर डिसीजन। लेकिन डिसीजन तो आप बाद में लेंगे, पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में बताऊं। ये टीवी बहुत ही शानदार बेजललेस डिजाइन के साथ आता है और आपको इसके अंदर ना के बराबर बेजल्स देखने को मिलेंगे, विच लुक्स रियली प्रीमियम, और इसके प्रीमियम क्वोशेंट को और बढ़ाती है बॉटम बेजल्स, जिसमें आपको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे तोशीबा की ब्रांडिंग करी हुई दिखती है। अगर आप इसे टेबल माउंट करेंगे तो आपको इसमें मेटल के स्टैंड मिलेंगे, अदरवाइज आपको बॉक्स के अंदर ही वॉल माउंट भी फ्री मिलेगा। साथ में कनेक्टिविटी ऑप्शन सारी टीवी के पीछे दी गई है, और पीछे आपको ये सबवूफर दिखा क्या? हाँ, मुझे भी दिखा। आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। इसमें आपको तीन HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक EARC पोर्ट है, which is 2.1 पोर्ट। आपको दो USB पोर्ट्स मिलेंगे और दोनों 2.0 पोर्ट्स हैं। ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी। उसके साथ आपको ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट मिलेगी। लेट मी टेल यू कि तीनों HDMI पोर्ट्स 60Hz पे काम करते हैं, यानी 4K एट 60Hz। नाउ इधर उधर की बातें सारी खत्म हो गई ना? हो गई। तो अब एक्चुअली मेन मुद्दे की बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर 8-bit FRC VA मिनी LED QLED पैनल है। ये एक्चुअली थोड़ा लंबा हो गया, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। ये एक VA पैनल है आपके सामने, ये 8-bit FRC पैनल है। इसके अंदर बैक लाइटिंग के अंदर मिनी LEDs यूज करी गई हैं और ये FALD पैनल है, यानी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है। नाउ ये इतनी सारी चीजें अगर आपको थोड़ी हार्ड है प्रोसेस करने के लिए, तो मैं एक एक करके आपको आराम से समझाऊंगा, बट ऑल इन ऑल आई कैन से इट इज अ फैंटास्टिक पैनल। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर कितने सारे वीडियो फॉर्मेट्स की आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। आपको HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, Dolby Vision, IQ, इन सब की सपोर्ट देखने को मिल रही है। यानी ऑलमोस्ट दुनिया के सारे वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट सारी इस टीवी के अंदर दी गई है, ताकि आपको किसी भी टाइप के कंटेंट को देखने में कभी भी कोई परेशानी ना हो। बट कंटेंट आप देखेंगे तो आपको डिटेल्स कैसे दिखेंगी? ब्राइटनेस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। हमने भी किया ब्राइटनेस टेस्ट और कलर्स का टेस्ट, और हमारी टेस्टिंग के अंदर इस पैनल की पीक HDR ब्राइटनेस आई अप्रोक्सीमेटली 480 nits, विच इज अकॉर्डिंग टू मी फैंटास्टिक ब्राइटनेस। और ये टीवी 94% sRGB को फॉलो करता है, यानी RGB कलर पैलेट को 94% फॉलो करने वाला अगर ये टीवी है, जो कि ये है, इट इज वेरी वेरी गुड। ये 94% कैसे हुआ? रेग्जा इंजन की मदद से। नाउ व्हाट इज रेग्जा इंजन? ये एक कलर प्रोसेसर है या फिर एक कलर ऑप्टिमाइजेशन की चिप है, जो इस टीवी के अंदर लगाई गई है, जिसकी मदद से ये कलर्स अचीव हो रहे हैं। ये कलर्स मेरे हिसाब से ओवर सैचुरेटेड हैं, और तीनों कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू, लेकिन ये थोड़े ओवर सैचुरेटेड हैं, सिर्फ थोड़े। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, क्योंकि आपको ये जो थोड़ी ओवर सैचुरेशन है, ये बहुत नेचुरल कलर प्रोफाइल के नज़दीक लेके आती है। आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल पिक्चर क्वालिटी दिखेगी। आपको इस समय भी जो दिख रही है आपके सामने, ये बहुत नेचुरल है। एंड माइंड यू, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैंने 10% पैनल की ब्राइटनेस करके आपको ये पिक्चर शूट दिखाया है। इसका कारण है कि आपको इस समय कैमरा पे ये ओवर एक्सपोज ना दिखे। ब्राइटनेस को इतना कम करके भी आपको इस टीवी के अंदर क्लैरिटी, डिटेल्स और कलर्स
सारे नेचुरल लगेंगे। उसका कारण है बिकॉज ऑफ द पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन, कलर ऑप्टिमाइजेशन, जो ये रेक्सा इंजन का काम है। सबसे पहले आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाता हूँ HDR 10 प्लस की प्राइम वीडियो पे, और उसमें शायद ही मेरे 2023 के किसी भी और टीवी के वीडियो के अंदर ऐसी क्लैरिटी आपने देखी होगी। उसका एक बेसिक कारण है कि इस टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है, ये मिनी LED टीवी है और ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां पे पैनल को ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है वहां पे वो बंद कर देगा मिनी LEDs को, और जहां ज्यादा जरूरत है वहां पे उसे फुल्ली इल्यूमिनेट कर देगा। नाउ दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैनल। और जब हमने इसके डिमिंग जोन्स को काउंट किया तो वो आए 120। ये 55 इंच साइज है और 65 इंच साइज के अंदर 192 जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज टू गुड। आप कोई भी कंटेंट देखते जाएंगे प्राइम वीडियो पे, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। कलर्स, डिटेल्स, कंट्रास्ट, शैडोज में डिटेल्स, आपको किसी भी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो है HDR कैपेबिलिटी इस पैनल की। आपको एक ही सीन के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा लाइट या बहुत ज्यादा डार्कनेस एक साथ दिख रही है वहां पे ये पैनल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ये बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा है अपने प्रेडिसेसर से, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। डॉल्बी विजन IQ को टेस्ट करने के लिए हम या तो डिज्नी हॉटस्टार पे जाएंगे या फिर नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, और कहीं पे भी चले जाएं आपको परफॉर्मेंस में किसी टाइप की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। एंड I am so surprised and so happy to see this TV, क्योंकि mini LED TV जिस price range में ये TV लॉन्च होने वाला है वो जबरदस्त है। आपको इस पैनल की कैपेबिलिटी का अंदाजा सिर्फ तभी लग सकता है जब आप इसे सामने से देखें, क्योंकि ये TV एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ आता है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। आपको जितनी फाइन डिटेल्स, जितनी कलर के अंदर डिटेल्स आपको ये कलर दिखा सकता है, जितने वेरिएशन आपको एक ही कलर के ये TV दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है, शायद ही मैंने किसी और TV को अभी तक रिव्यू करा हो इस साल में इस रेंज के TVs में। नाउ That is the most beautiful part. आप Dolby Vision का content देख रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। And you know, in fact, ये सारे जब video formats की support के साथ आता है, then you don't need to worry. आपको नहीं भी पता कि कौन से format का video चल रहा है, no problem. ये TV already उसे support कर ही रहा है. Now that is so beautiful. ये एक VA panel है, तो क्या हम blacks नहीं check करेंगे? Absolutely, सबसे पहले करेंगे। इस TV की contrast ratio है 3000:1, और ये mini LED के पैनल की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी है। इस TV के अंदर जो हमें ब्लैक्स देखने को मिले, दे आर अमेजिंग, बहुत अच्छे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये OLED जैसे ब्लैक्स हैं, नहीं, ये QLED जैसे ही ब्लैक्स हैं, क्योंकि इस TV के अंदर एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा है जो कलर्स को एनहांस करता है, और वो नेचुरली कर ही रहा है। ये रेक्सा इंजन के पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, लेकिन ब्लैक्स में मुझे बहुत मजा आया। आप खुद जब ब्लैक्स देखेंगे, अगर आप रात को ये TV देख रहे हैं, ये एक आपको फील दे देगा कि हाँ यार, OLED जैसा TV है। इट के नॉट कॉम्पीट विद OLED, बट यस, बहुत शानदार ब्लैक्स है, बहुत शानदार ब्लैक्स, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो SD चैनल की अपस्केलिंग तो कर लेता है, लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाता है। यही प्रॉब्लम इस TV के अंदर भी है। SD चैनल देखते हुए आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप HD चैनल देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपस्केलिंग तो हो सकती है, लेकिन आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं मिल सकता किसी भी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल में। ये तोशीबा के TV के साथ नहीं, ये सारे ही फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल की प्रॉब्लम है, चाहे वो सोनी का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, या किसी और ब्रांड का पैनल हो। नाउ दैट कीपिंग असाइड कि अगर आप USB से इसके अंदर कोई मूवी को अपस्केल करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा। आपको HD मूवीज में तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, आप फुल HD और 4K मूवीज जब इससे USB के थ्रू प्ले करेंगे, देन यू विल रियली रियली फील हैप्पी। आपको लगेगा यस, ये है चीज जो मुझे देखनी थी। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इस TV के अंदर आपको विदा OS का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है। मैंने अपने पहले के वीडियो के अंदर, यानी Hisense Tornado QLED के अंदर भी बताया था कि विदा OS का लेटेस्ट वर्जन बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। अब इसमें किसी टाइप का कोई लैग नहीं है।
बट हैविंग सेड दैट, आपको वो सारी टाइल्स भी मिलेंगी, गूगल ओएस जैसी उन्होंने लुक देने की कोशिश करी भी है, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा एप्स नहीं है जितनी आपको गूगल ओएस में मिलेंगी या फिर आपको फायर स्टिक के साथ मिलेंगी। हैविंग सेड दैट, अगर आपको फायर स्टिक के साथ ही ये टीवी खरीदना है तो पहले दो दिनों में खरीदिए, यानी Amazon Prime Day सेल के दौरान 15th एंड 16th जुलाई को इसे खरीदने पे आपको इसके साथ फायर स्टिक का फ्री कूपन मिलेगा, जिससे आप 15 या 16 जुलाई को इसे फायर स्टिक के साथ खरीद पाएंगे। नाउ दैट इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल ऑफर, और विदा ओएस जिन्हें पसंद नहीं है उनके लिए फायर ओएस बहुत जबरदस्त काम करेगा। कमिंग टू द ऑडियो क्वालिटी, इस टीवी के अंदर आपको 49 वॉट की ऑडियो मिलती है, जिसमें आपको स्पीकर्स और एक सब वूफर भी लगा हुआ मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, और मैं यहीं पे चुप होऊंगा और आपको सुनाऊंगा ऑडियो क्वालिटी, गिव इट अ लिसन। ये ऑडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से एग्जैक्टली वही है जो आपको हाइसेंस टोर्नेडो क्यूलेट या फिर आप उसे कह सकते हैं E7 के प्रो के अंदर सुनने को मिलती है, एंड दैट इज अ गुड पार्ट बिकॉज उसकी ऑडियो क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड सो इज विद दिस वन, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है, बेस में भी क्लैरिटी है, बेस ओवर पावर नहीं करती है वोकल्स को, और आप डायलॉग्स को बहुत ध्यान से सुन पाएंगे, बहुत आराम से सुन पाएंगे। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीवीज ऑडियो, आप साउंड बार लगा के इसके साथ अलग से इसकी ऑडियो को सिनेमैटिक बना सकते हैं, लेकिन आपको जो आवाज नहीं आती नॉर्मल 20-30 वॉट के स्पीकर्स में, वो इस टीवी में बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड यू विल फील गुड क्योंकि म्यूजिक आपको अच्छा सुनाई देगा, बैकग्राउंड साउंड्स आपको अच्छी सुनाई देंगी, और डायलॉग्स सबसे अच्छे सुनाई देंगे। That is the best part. Now let's talk about gaming. इस टीवी के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे यार गेमिंग की क्या बात करें, इसमें वो सिर्फ HDMI 2.1 EARC पोर्ट है, that's about it. No, that's not about it. क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलता है, और जब आप गेमिंग कॉन्सोल इस टीवी के HDMI पोर्ट से लगाएंगे, जो कि बाय द वे 60 हर्ट्ज ही है, आपको ये टीवी गेम मोड में ले जाएगा, और गेम मोड में आपको VRR देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज की थ्रू अल्ट्रा मोशन। अल्ट्रा मोशन एक फीचर है जो इस टीवी के अंदर चिप बेस्ड है, और वो दिया गया है गेमिंग के लिए ही। टीवी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसमें गेमिंग कॉन्सोल लगाया है, और आपको वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट बहुत जबरदस्त गेमिंग देगा, एंड यू विल थॉरली एंजॉय द गेमिंग इन दिस टीवी। ये टीवी उतनी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकता है जितनी E7 के प्रो या फिर हाइसेंस टोर्नेडो क्यूलेड कर सकता है, टू बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट विद यू। और ना कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि इस टीवी का इनपुट लैग कितना है, और ना ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इनपुट लैग इतना कम है, लेट्स से 9-10 मिलीसेकंड्स, जिसे कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। बट ऑल एंड ऑल आई कैन से कि अगर आप एक कैजुअल से मिड लेवल गेमर हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग टीवी फॉर यू, क्योंकि आपको कोई 240 हर्ट्ज की गेमिंग नहीं करनी है जो आपको E7 के प्रो के अंदर मिलती है, देन दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट टीवी फॉर यू, क्योंकि इसमें आप जब कॉन्टेंट देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसमें वो वाले गेमिंग फीचर्स नहीं है जैसे FreeSync प्रीमियम आपको E7 के प्रो के अंदर मिलता है, वो सब चीजें नहीं है, बट अदरवाइज द गेमिंग इज सुपर्ब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन उससे पहले आपको प्राइस बताता हूं। ये टीवी सिर्फ दो साइजेस के अंदर अवेलेबल होगा, 55 इंच एंड 65 इंच। मुझे एग्जैक्ट प्राइसेस इस समय तक नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 57,000 to 58,000 रुपीज का 55 इंच भी लॉन्च होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 78,000 से 80,000 रुपीज का 65 इंच में। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इससे कम या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, आई डोंट टेक द गारंटी ऑफ दैट। आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहले दो दिनों तक यानी 15th और 16th जुलाई 2023 को अगर आप इसे खरीदेंगे ड्यूरिंग द Amazon प्राइम डे सेल, तो आपको एक फायर स्टिक का फ्री कूपन मिलेगा, जिससे आप फ्री में फायर स्टिक को प्री ऑर्डर कर सकते हैं या इसी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। Now that's a cool thing. इसके अलावा आपको तोशिबा की तरफ से 4 years की वारंटी भी मिलेगी फॉर द इनिशियल 7 days। नाउ Choice is completely yours. आपको अगर ये टीवी पसंद आता है तो आपको लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मेरे अफिलिएट लिंक हैं, आपको उसे यूज करने की
जरूरत क्यों है? क्योंकि या तो मैं ब्रांड से पैसे लेके उनकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, या फिर जैसा मैं हूँ वैसा ही रह सकता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके इस चैनल की हेल्प करिए, ताकि मैं आपको सारे ही प्रोडक्ट्स को खरीद के या फिर ब्रांड से लेके उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकूं बिना ब्रांड से डरे। एंड दैट इज योर पावर, जो मैं आपसे मांगता रहता हूँ। अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपको अच्छा लगे, तो मेरे लिंक्स को यूज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 TV 2023 लिस्ट में भी दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको तोशीबा के M650 के कॉन्स ही बताता हूं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि आपको सबसे पहले इस टीवी के कॉन्स बताऊं। इस टीवी के अंदर आपको SD और HD चैनल का बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अपस्केलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस टीवी हैज वंडरफुल अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन क्योंकि ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है, इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस SD और HD चैनल्स का उतना शानदार नहीं हो सकता। वो फॉर दैट मैटर किसी भी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल का नहीं हो सकता। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। अगर आपको SD और HD चैनल्स ही देखने हैं, आई वुड से स्किप दिस टीवी। दूसरी चीज, आपको विदा OS बहुत ज्यादा लाइट मिलता है, उसके अंदर अब कोई लैग नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें उतनी एप्स नहीं है, प्ले स्टोर पे मिल सकती हैं। एंड दैट इज अ ऑब्वियस फैक्ट कि आपको विदा OS में हमेशा ही ऐसे रहेगा। आपको या तो एक फायर स्टिक लगानी पड़ेगी, या फिर अगर आपको ज़्यादा एप्स की ज़रूरत नहीं है, देन आई वुड से दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टीवी। क्योंकि ऐसे ही वेब OS और टाइजन OS के अंदर भी बहुत सारी एप्स नहीं हैं, एंड दे स्टिल सेल, दे आर दी बेस्ट टीवीज इन द वर्ल्ड। बट तोशीबा के विदा OS की कमियों को अगर एक मिनट के लिए साइड में रखे, तो उन्होंने ऐसा रिमोट कंट्रोल दिया है कि आप कहेंगे यार इसमें तो बहुत कुछ है। मतलब आप इस रिमोट को देखिए, इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 12 हॉट कीज दी गई हैं, और वो 12 हॉट कीज से आप सोच के देखिए। इनफैक्ट एक की उसमें से ऐसी भी है जिसे आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। द ऐप यू वांट, आप उसी पे कस्टमाइज कर दें और उससे वही ऐप खुलेगी। नाउ फॉर मी दिस OS डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि मेरे लिए OS इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है। मुझे पिक्चर क्वालिटी, मुझे टीवी की कैपेबिलिटी, मुझे पैनल की क्वालिटी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि OS को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, मैं एक फायर स्टिक लगा सकता हूँ, मैं कोई एंड्रॉयड बॉक्स लगा सकता हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पैनल की कैपेबिलिटी को मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता, जो इस टीवी का बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर वो मुझे अच्छा मिल रहा है, then I don't have a problem in buying this TV. एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि M550 जो लास्ट ईयर का मॉडल था, इस 650 का predecessor, उसके अंदर जो ब्राइटनेस मैंने चेक करी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। That was around 570 nits if I'm not wrong. लेकिन इस पैनल की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, लगभग 100 या 90 nits कम है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैनल पूरी तरीके से डिफरेंट है। वो IPS पैनल था, ये एक VA पैनल है। इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ पहले से बहुत ज़्यादा हैं। आपको इसमें ज़्यादा वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट मिलती है। और मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ, जो शायद ही आप समझ पाएंगे इस तरह से वीडियो के अंदर, लेकिन ये टीवी फार बेटर HDR कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। मैंने इसको पॉज किया है, मैं आपको अब दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखें, ये देखिए, ये एक वीडियो चल रहा है, और इस वीडियो को चलाते समय आपको पिक्चर क्वालिटी जो बहुत अच्छी लग रही है, आपको जो HDR कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी लग रही है। इसे आप ध्यान से देखें कि इस टीवी के अंदर इस समय कितनी ब्राइटनेस है पैनल की। मैं स्टैंडर्ड मोड पे इस टीवी को इस समय चला रहा हूँ, और स्टैंडर्ड मोड पे चलाने के बाद भी बैक लाइट को अगर आप देखेंगे, देन इट इज ओनली 10%, 100% की जगह 10% पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि ये ओवर सैचुरेट ना हो। और ओवर सैचुरेट का मतलब कि वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको अजीब लगने लगेगी। इस पैनल की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, हमें देखने में कैसी भी लगे, लेकिन हमें सुनने में नंबर्स को नहीं, हमें एक्चुअली में पिक्चर क्वालिटी को देखना है, विच इज सरप्राइजिंगली टू गुड इन दिस टीवी। इस टीवी के अंदर आपको बैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रो है, क्योंकि इस टीवी में इतनी ब्राइटनेस और मिनी LEDs, ऐसे कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड, उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद बैंडिंग होगी, बट नो,
नॉट इन दिस टीवी. आपको कोई कलर पैच, कोई बैंडिंग कहीं देखने को नहीं मिलेगी. चाहे आप HDR 10 प्लस फॉर्मेट देख लें, चाहे आप डॉल्बी विजन फॉर्मेट देख लें, आपको कोई बैंडिंग कहीं नहीं देखने को मिलेगी. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रो है, क्योंकि मुझे एक सीमलेस पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है. इस टीवी के ब्लैक्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं. मिनी LEDs का रियली हमें फ़र्क पता चलता है कि एक नॉर्मल LED और मिनी LED की वजह से जो डिफरेंसेस आ सकते हैं पिक्चर क्वालिटी में, जो पैनल में डिफरेंसेस आ सकते हैं, दैट आई कैन रियली सी. एंड बजट रेंज में ऐसा टीवी विद दीज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, आपको गेमिंग करनी है तो VRR 120 हर्ट्ज का इन द गेम मोड, ये सब चीज़ें अगर यू नो इफ आई पुट टुगेदर, देन दिस बिकम्स अ वेरी वेरी गुड पैकेज इन दिस बजट. ये था मेरा ट्रू व्यू तोशिबा M650 मिनी LED QLED टीवी का. ये मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा शानदार टीवी है, और इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई और टीवी है जो इसे कॉम्पीट कर सके. अगर आपने कंटेंट देखना है, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ टू गो फॉर. गेमिंग कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, बट इफ़ यू आर अ कैजुअल गेमर, आप कोई और टीवी लेने की सोचेंगे भी नहीं. आपको कैसा लगा ये टीवी बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में. और उसके साथ अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इस टीवी के बारे में, यू कैन श्योरली आस्क दैट, और मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा. और बाय द वे, आपके जाते जाते और मेरे जाते जाते आपके लिए दो सजेशंस देके जा रहा हूं इन टीवीज के, इन्हें भी जरूर देखिएगा. और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. थैंक यू वेरी वेरी मच.